माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात यूपी के बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का दबदबा था। जहां एक तरफ मुख्तार माफिया था, वहीं दूसरी तरफ उसके दादा मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान सेना में थे और साल 1947 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। हर कोई यही सोच रहा है कि जिस शख्स के परिवार की विरासत इतनी मजबूत रही, आखिर वो क्राइम की दुनिया में कैसे आ गया। साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी का बेटा और उसके परिवार वाले कितने पढ़े लिखे हैं। मुख्तार अंसारी की बात करें तो माफिया डॉन ने 1984 में पीजी कॉलेज गाजीपुर गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए किया था। स्कूल के दिनों में उसे क्रिकेट बहुत पसंद था और वह क्रिकेटर बनना चाहता था। मुख्तार अंसारी ने राजकीय शहर इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज गाजीपुर से पढ़ाई की है। मऊ सदर से वह पहली बार 1996 में बसपा से विधायक बना और लगातार 5 बार इस सीट से विधानसभा पहुंचा। 5 बार विधायक और 2 बार सांसद मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी ने गाजीपुर से 1976 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मैनेजमेंट से ग्रेजुएट है और राष्ट्रीय स्तर का शूटर भी है। वह मऊ सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट से विधायक भी है। वहीं छोटा बेटा उमर अंसारी भी राजनीति में सक्रिय है। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह 1928 से 1936 तक इसके चांसलर भी रहे। 3 जून 1963 को मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुबहान उल्ला अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी पत्नी का नाम आफशा अंसारी है। ये तो मुख्तार अंसारी के परिवार और उसके घर वालों के बारे में जानकारी हुई। बता दें कि कल यानी कि गुरुवार को मुख्तार अंसारी की आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद से पूरे प्रदेश में काफ़ी अलर्ट है। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।